नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कंचन। तो चलिए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में थावे महोत्सव से संबंधित बैठक की गई। उक्त बैठक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर रखते हुए थावे महोत्सव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में उप अपर समाहर्ता शार्दुल हसन खान, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल, वरीय उप समाहर्ता राधाकांत तथा जिला अंतर्गत पदाधिकारी इत्यादि गण मौजूद रहे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तकिया निवासी और MIM के गोपालगंज विधानसभा से उम्मीदवार रहे अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की सोमवार की देर रात को मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि असलम मुखिया अपने घर से रात को 9 बजे के आसपास थाने रेलवे स्टेशन पर लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तुरकाहा पुल के नजदीक जैसे ही वे पहुंचे, पीछे से ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों और समर्थकों में मातम पसर गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एक SIT का गठन कर दिए, जिसका नेतृत्व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल कर रहे हैं। और SIT की टीम ने रात में ही अपराधियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी शुरू कर दी। जगह जगह CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया गया और इसका नतीजा भी पुलिस को मिला। रात्रि में ही पुलिस ने इस हत्याकांड के दौरान इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया और इसमें दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, परंतु जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और मंगलवार को शाम में मृत असलम मुखिया के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिले के भारी संख्या में उनके समर्थक अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी कुछ अपराधियों द्वारा, मोटरसाइकिल से सवार अपराधी थे, जिसमें SIT की टीम का गठन कर दिया गया है। और घर वालों से हम लोगों की बात हुई है, कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT की टीम की गठन भी कर दी गई है। जल्द ही इसमें हम लोग अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। अभी तक पता चला है कि एक मोटरसाइकिल से सवार थे। हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ लीड्स भी मिलने हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही अरेस्टिंग करेंगे। अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पकड़ी गई है? अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को जल्द ही इस पर अपडेट करेंगे। जी, बताया गया है सर, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही इस केस का उद्भेदन करेंगे। भोजपुरी फिल्म की वरीय अभिनेत्री और हिंदी भोजपुरी नाटकों की अदाकारा भवानी मीरा के निधन से बिहार के कलाकार शोकाकुल और मर्माहत हैं। फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकार और बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के राष्ट्रीय संरक्षण श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव की पत्नी और इप्टा राष्ट्रीय समिति के सदस्य हुए छपरा इप्टा के सचिव डॉक्टर अमित रंजन की माता भवानी मीरा का मंगलवार 13 फरवरी को निधन हो गया। विगत दिनों दुर्घटनावश जल जाने के कारण वह इलाजरत में थी। भवानी मीरा ने विगत 3 दशकों से जन सांस्कृतिक आंदोलन और भोजपुरी सिनेमा में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने अपन गवा में हमरो प्राण बसेला नाम से एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण भी किया था। एक अर्धांगनी के रूप में न सिर्फ रंगकर्मी पति और पुत्र को सक्रिय रंगकर्म के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि सारे सामाजिक बाधाओं को पाटते हुए फिल्म और रंगकर्म के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके निधन पर बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, फिल्म निर्देशक अनिकेत मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा, फिल्म अभिनेता कादिर शेख और अखिलेश शर्मा ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो वहीं इप्टा पदाधिकारी सीताराम सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष एवं फिरोज
अशरफ खान महासचिव ने कहा कि हम अपने साथी के निधन पर मर्माहत हैं और हम इस दुख की घड़ी में विपिन बिहारी श्रीवास्तव और डॉक्टर अमित रंजन के साथ हैं। भवानी मीरा सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। गोपालगंज जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट किशोरियों की पहचान की जा रही है। किशोरियों की पहचान करने के बाद उनकी काउंसलिंग करके उन्हें वापस विद्यालय में नामांकन कराने का अभियान उप विकास आयुक्त के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इस अभियान को उपायुक्त के निर्देश पर पिरामल फाउंडेशन और ICDS गोपालगंज के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से किशोरियों के काउंसलिंग के तरीके, महावारी, स्वच्छता की सावधानियां तथा यौन शोषण की रोकथाम के विषय में जानकारियां दी जा रही हैं। कार्यशाला का आयोजन सभी प्रखंडों में 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच की जा रही है। सेविकाओं के कार्यशाला में पिरामल फाउंडेशन और ICDS गोपालगंज के कर्मी संयुक्त रूप से प्रत्येक प्रखंड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही 25 तारीख तक चलने वाले इस अभियान के तहत युद्ध स्तर पर ड्रॉप आउट किशोरियों का चयन कर काउंसलिंग करने का लक्ष्य है। साथ ही पिरामल फाउंडेशन के सोमनाथ ने बताया कि 13 फरवरी को मांझा, गोपालगंज सदर और थावे इन 3 प्रखंड में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक बैलगाड़ी सहित भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। उत्पाद पुलिस ने यह कार्यवाही जादवपुर थाना क्षेत्र के पतराहा गांव के समीप किया है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा ने बताया कि उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से बिहार के लिए गंडक नदी के बांध के रास्ते से एक बैलगाड़ी से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस टीम ने जादवपुर थाना के पतराहा गांव के समीप छापेमारी कर एक बैलगाड़ी पर लदे 160 कार्टन देशी शराब बरामद किया है। हालांकि शराब तस्कर नदी में छलांग लगाकर भागने में सफल हो गए। बरामद शराब की कीमत करीब 5,00,000 रुपए आकी गई है। आज गोपालगंज उत्पाद टीम के द्वारा सुबह अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि गंडक नदी के सहारे अवैध शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप ले जा रहे हैं। उसी क्रम में गठित टीम द्वारा छापेमारी की गई। जादवपुर थाना अंतर्गत पतराहा दियारा समीप यह कार्रवाई की गई, जिसमें तस्कर दूर से देख के पानी में कूद के छलांग लगा के भागने में सफल रहे, लेकिन शराब जो बैलगाड़ी पर लादी गई थी उसे जब्त किया गया, जिसमें कुल 107 कार्टन देसी शराब जब्त किया गया है, जो लगभग 963 लीटर है, जिसकी कीमत लगभग 5,00,000 मूल्य के बराबर होगी और आगे की कार्रवाई की जा रही है तस्कर। गोपालगंज सिधवलिया थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए सदवा नहर पर चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी सिधवलिया थाना क्षेत्र के ही सदवा गांव का रहने वाले रामायण मांझी का पुत्र विजय कुमार है। पुलिस ने अब इस मोटरसाइकिल के संदर्भ में आरोपी से पूछताछ शुरू कर दिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है।
गोपालगंज जिले में 13 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार तक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बूथ लगाकर बच्चों और किशोरों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया गया, लेकिन अब बुधवार यानी आज से जिले में आशा कार्यकर्ताएं और वॉलेंटियर अपने पोषण क्षेत्र और वार्ड में घर घर जाकर दवाओं का सेवन कराएंगे। लेकिन गत दिनों अभियान के दौरान कुछ बच्चों में दवाओं का सेवन करने के बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों में थोड़ा संशय उत्पन्न हो गया। ऐसे में ये अफवाह फैल गई कि दवाओं के सेवन से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो सरासर गलत सूचना है। स्वास्थ्य विभाग इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। लोगों को समझाया जा रहा है कि दवा खाने से नहीं, दवाओं के असर से मरने वाले परजीवियों के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण लोगों को उल्टी, चक्कर, पेट में दर्द, सिर में दर्द और मितली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि लोग समझे कि फाइलेरिया बीमारी से ठीक होने के लिए नहीं, बल्कि ये बीमारी ना हो इसलिए दवा खाना जरूरी है। यह परेशानियां क्षणिक है और दवा सेवन ही सबके लिए लाभकारी है। जिले में सभी BCM एवं BHM को निर्देशित किया गया है कि दवा खिलाने के पहले आशा ये सुनिश्चित करे कि बच्चों ने स्कूल में मिड डे मील के दौरान भोजन किया है, तत्पश्चात ही बच्चों को दवा खिलाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ता के पास ORS के पैकेट का रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी BCM एवं BHM को निर्देशित किया गया है कि वो माइक्रो प्लान के अनुसार घर घर जाकर दवा सेवन करवाएं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवा यानी DEC और अल्बेंडाजोल योग्य व्यक्तियों को खिलाई जाती है। फाइलेरिया रोधी दवा गुणवत्ता एवं प्रभाव स्तर पर पूर्णतः सुरक्षित है। दवा सेवन करने के बाद अगर किसी भी तरह की शारीरिक शिकायत होती है तो इससे स्पष्ट होता है कि शरीर में पहले से फाइलेरिया के परजीवी मौजूद थे। दवा से परजीवी मर रहे हैं, जिसके कारण उल्टी, चक्कर, सिरदर्द जैसी छोटी मोटी शिकायत हो सकती है। इसे दूसरे रूप में समझें तो यह एक शुभ संकेत है। दवा फाइलेरिया परजीवी को मारने में असरदार साबित हो रहा है। यह महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें। दवा का सेवन खाना खाने के बाद ही करना है, कभी भी खाली पेट दवा का सेवन नहीं करें। गोपालगंज विजयपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी नंद कुमार विजयपुर के मथौली गांव का निवासी है और यह पुलिस की सूची में 42 नंबर पर शामिल था। इस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। यह 13 वर्षों से फरार चल रहा था, तभी पुलिस को धुसवा बाजार में इसके होने की जानकारी मिली और पुलिस ने वहां छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। यह हत्याकांड का आरोपी है। अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी है। भागवत कथा के स्वर्ण और अनुसरण से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न वेदों और शास्त्रों का सार भागवत कथा में निहित है। जिस प्रकार दही को मथने के बाद घी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार विभिन्न वेदों के मंथन से भागवत कथा का निर्माण हुआ है। यह बातें धर्म कथा गाँव स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रहे श्री महाविष्णु सह नव स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में प्रवचन के दौरान अयोध्या से आए महर्षि दीपेंद्र जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन में भागवत कथा के अनुसरण मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महायज्ञ में मंगलवार को यज्ञाचार्य पंकज शास्त्री द्वारा शिव परिवार एवं राम परिवार की मूर्ति की स्थापना के लिए अन्न अधिवास कराया गया। वहीं वृंदावन से आए हुए करुणामयी रामलीला मंडली के द्वारा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का चित्रण किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला मंचन का भरपूर आनंद उठाया। रामलीला मंच का उद्घाटन पंडित प्रभुनाथ तिवारी के द्वारा किया गया, जबकि प्रवचन मंच का उद्घाटन पूर्व मुखिया रामशंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया। वहीं यज्ञाचार्य पंकज शास्त्री ने बताया कि बुधवार को नव स्थापित होने वाली मूर्तियों का नगर परिभ्रमण कराया जाएगा। महायज्ञ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यज्ञ को सफल बनाने में कमेटी के सदस्य वे सभी ग्रामीण लगे हुए हैं। तो यह थी आज की खास खबर। खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।